हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूं अपने दोस्त लोग के साथ अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर पे एक मज़ार है, वहां पे शायद क्या नाम है दुर्ग ज्योत, मेला लगा हुआ है। रात को आए हैं, कल मेला लगेगा लेकिन अभी भी रश ही है, दुकान वकान लगी है, हलवा पराठे की खाजा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए मेरे दोस्त लोग हलवा पराठा खा रहे हैं। हबीबुर रहमान भाई है, बीच में जमील भाई हैं और वो जाकिर, मेले का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए पार्सल भी है दो तीन पन्नी में और ये मेरे भाई लोग खा रहे। स्पेशल गेस्ट है जाकिर भाई। मैं अभी थोड़ा सा इधर का आपको लोकेशन दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हलवा पराठे की दुकान, ये हलवा पराठे वाला, ये उसकी भट्टी बहुत तेज आग चल रही। कब तक रहेगा भाई मेला ये? 26 तारीख तक रहेगा। आज से स्टार्ट है क्या? आज तो खाली नॉर्मल है। ये हमारे हलवा पराठे वाले भाई ओनर है। ब्लॉग बना देगा, कौन सी आईडिया? ये देखिए रात के 11 बज गए हैं लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है, कुछ दुकानें बंद है, कल सुबह खुलेंगी। और भी उधर झूला उला है, कव्वाली हो रही है, उधर नहीं जा सकता, बहुत रश है, लेडीज़ भी बहुत है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसके लिए उधर दिल नहीं कर रहा जाने का। वहाँ मज़ार है, वो जो मीनारा दिख रहा है ना, लाइट जल रही है ग्रीन ग्रीन, वो मज़ार है। देखिए ढेर सारी दुकान है। इधर कुछ चीज़ें और मिले, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए खाजा, ये हमारी गाड़ी है, इससे हम लोग आए। ये है, अरे ये खाजा बिक रहे हैं। हलवा तैयार हो रहा है। देखिए ये हमारे जमील भाई स्पेशल गेस्ट। ये रेडमी है क्या तुम्हारा? नहीं, हवाई है। हम लोग आए हुए हैं दुर्ग ज्योत में, यहाँ पे हम लोग लेना था लपची मछली। लपची मछली यहाँ पे लगा हुआ था मेला, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, उसके बाद जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खाया है कबाब, बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोगों ने हलवा पराठा खाया हुआ है, खाजा भी लिया है, उसके बाद खाजा भी पार्सल लिया हुआ, उसके बाद लेके जा रहे हैं हम इनकी वाइफ को देने के लिए। हाँ, ये बंदा जाएगा नहीं, लेके जाना पड़ेगा मुझे। हो गया लेक्चर, बाकी इतना ही, अगली वीडियो में एडिट कर दे रहा।